खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर बिजली कटौती और महंगाई से आम जनता को त्रस्त करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कुमाऊं के नगर निगम की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने नाला सफाई के नाम पर करीब 16 से 17 लाख का बजट जारी किया था, जिसके बावजूद भी नाले की साफ सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हल्की बारिश में भी पूरा हल्द्वानी पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। सुमित हृदयेश ने कहा कि मेयर द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं, उनकी एक एक इंच जमीन फ्री होल्ड है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूर्व घोषित बिजली कटौती घंटों घंटों तक लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा आर्थिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा नगर निगम को नालों की सफाई की जिम्मेदारी होती है, और नालों की सफाई होते हुए मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखा नहीं। इसी वर्ष मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, 16 या 17 लाख रुपए का नालों की सफाई का टेंडर हुआ, तो कहाँ ये नाले साफ हुए? हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं ना कहीं अतिक्रमण के कारण है। अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं ना कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयान वीर न बने।